हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मोबाइल से कीबोर्ड कनेक्ट करके टाइपिंग कैसे किया जाता है। वैसे तो आप पूरी मोबाइल को कीबोर्ड से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस एप्लीकेशन में आपको टाइपिंग करके दिखाऊंगा उसके शॉर्टकट का पीडीएफ भी आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड को मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपके पास तीन चीजें रहना बहुत जरूरी है। एक तो आपका ये मोबाइल रहना जरूरी है, दूसरा कीबोर्ड, और तीसरा ये ओटीजी। ओटीजी एक प्रकार का यूएसबी केबल होता है जो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान में 30 से 50 रुपए में मिल जाएगी, और कीबोर्ड आपको 250 से 300 में मिल जाएगा। अब आप इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ओटीजी में अपना कीबोर्ड लगा लीजिए। कीबोर्ड लगाने के बाद आप ओटीजी को अपने मोबाइल में लगा लीजिए। मोबाइल में लगाने के बाद आप सोचिएगा कि ये कीबोर्ड कनेक्ट हो गया, लेकिन ये कनेक्ट नहीं होता है। आप देख सकते हो यहाँ लाइट नहीं जल रही है। तो अब आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है ओटीजी। ओटीजी जैसे ही सर्च करते हैं आपको यहाँ ओटीजी कनेक्शन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ हाईलाइट जो हो रहा है इसको ऑन कर दीजिए। ओटीजी कनेक्शन को जैसे ही ऑन करते हैं मैसेज आ गया कि आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो चुका है। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां बल्ब उभर रहा है, देख सकते हैं अब ये पूरी कनेक्ट हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि यह कनेक्ट हुआ, इससे हम मोबाइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं मैं यहां क्लिक करता हूं, तो आप मोबाइल पे देखिए यहां मैं व्हाट्सएप पे आ गया। अब जैसे ही मैं यहां इंटर दबाता हूं व्हाट्सएप खुल गया। अब मैं किसी का स्टेटस देखना हो तो देखिए एरो की पे क्लिक किए, यहां से मैं किसी का स्टेटस देख सकता हूं। जैसे यहां देखिए यहां स्टेटस में किसी का भी देख सकता हूं। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि मोबाइल में टाइपिंग कैसे सीखें। तो चलिए उसके लिए आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइपिंग टेस्ट। मैं यहां एमएस वर्ड यूज करूंगा। मैं अपने मोबाइल का एमएस वर्ड ऑन कर लेता हूं। एमएस वर्ड आ गया है। उसके बाद मैं अपना साइज बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको सही से दिखे। मैं यहां ले लेता हूं 48, जिससे आपको सही से दिखाई दे। तो मैं यहां ले लिया। अब मैं यहां जो भी लिखूंगा, जैसे मैं यहां लिखता हूं, देखिए कीबोर्ड पे देखिए यहां मैं लिख रहा हूं और यहां लिखा रहा है। आप देख सकते हो जैसे कि जैसे मैं यहां लिख रहा हूं हाउ टू कनेक्ट, देख सकते हो आप लोग हाउ टू कनेक्ट कीबोर्ड, हाउ टू कनेक्ट कीबोर्ड। आप लोग देख सकते हो यहां जो मैं लिख रहा हूं वो सारा कुछ लिखा रहा है, देख सकते हो आप लोग। उसके बाद मैं अगर इसे एक कंट्रोल ऐसे आप लोग जैसे कंप्यूटर में सेलेक्ट करते हैं यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ देखो मैंने कंट्रोल दबाया और ये दबाया, यहाँ ये सेलेक्ट हो गया। अब मैं कंट्रोल बी दबा रहा हूँ, यहाँ देखिए ये बोल्ड हो रहा है, कंट्रोल बी से बोल्ड। अब मैं इसे कलर भी कर सकता हूँ, जैसे यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया और कोई भी कलर मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ ये कलर हो गया। इसे हाईलाइट भी कर सकता हूँ, देखिए ताकि आपको दिखे ये हाईलाइट हो गया है। अब मैं यहाँ कुछ भी जैसे कंट्रोल ए से सेलेक्ट किया और डिलीट बटन कीबोर्ड का यहाँ मैं दबा रहा हूँ तो ये सारा डिलीट हो गया। तो देख सकते हो आप जो जो कंप्यूटर में कर सकते हो वो सारा कुछ यहाँ कर सकते हो। अब यहाँ से आप कुछ भी डायरेक्ट टाइपिंग कर सकते हो, यहाँ से टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। देख सकते हो मैंने यहाँ जो कुछ भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो सारा कुछ लिखा रहा है, देख सकते हो आप। तो ये सारा कुछ आपका आराम से हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ऐप आते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आप अपने टाइपिंग स्पीड यहाँ से अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं।